नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, वैसे तो अपने चैनल पर मैंने सेप्टिक टैंक का बहुत सारा वीडियो आप लोगों के लिए डाला हुआ है, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए सोकपिट यानी कि सोखता गड्ढा का वीडियो लाया हूँ, जो कि हर घर की आवश्यकता है। नगर निगम के गाइडलाइंस के अनुसार भी दोस्तों सोकपिट यानी कि सोखता गड्ढा आपके घर में होना चाहिए। ये अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में भी मदद करता है। तो दोस्तों चलिए बताता हूँ किस तरीके से इसकी बनावट होती है और इसको बनाने समय कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी छोटा सा क्यूब सा एक सोकपिट बनाया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये अपने यूज के अनुसार दोस्तों आप इसका साइज डिसाइड कर सकते हैं। इसको बनाने में जो मेन चीज़ की आवश्यकता होती है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूँ, जो भी गड्ढा रहेगा दोस्तों नीचे में आपको सिर्फ और सिर्फ सोलिंग करके छोड़ देना है, सिर्फ आपको सोलिंग करना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देंगे, जहाँ पे ये ब्रिकवर्क किया हुआ है ना, यहाँ जो ईंट की जुराई है दोस्तों उसके नीचे आपको पीसीसी करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, चूँकि धंसने वगैरह का चांस नहीं रहेगा। सिर्फ पीसीसी उतना ही दूर में कीजिएगा दोस्तों जितना दूर में आपको ब्रिकवर्क यानी कि ईंट की जुराई करनी है चारों तरफ से, ठीक है। बीच का ये पूरा का पूरा जगह है, सिर्फ और सिर्फ ईंट की सोलिंग करके आपको छोड़ देनी है। उसके बाद दोस्तों जो ब्रिकवर्क होगा उसमें आप ध्यान देंगे तो पाएंगे दोस्तों इस तरीके से आपको खांचे भी छोड़ने होते हैं, ताकि पानी दोस्तों अंडरग्राउंड वाटर में जा करके मिलने का जो रास्ता है वो यहीं छिद्र से होकर के गुजरता है। तो ये चीज़ें हो गई दोस्तों, ये चीज़ें आपको बिल्कुल करनी है। एक चीज़ का ध्यान देंगे, जैसे कि उस साइड में आपका सेप्टिक टैंक है, ठीक है, तो उस साइड आपको नॉर्मल दीवार जोड़ना है, या फिर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम है, तो कॉलम के जगह दोस्तों आपको जो है वो इस तरीके के जो छेद है वो नहीं देना है। यहाँ पे पूरा वाटर प्रूफिंग करना आवश्यक है, ताकि इसका प्रभाव आपके कॉलम पे ना हो, और साथ ही साथ दोस्तों आपका जो सेप्टिक टैंक है उसमें इधर से पानी ना जाए। ये चीज़ें हो गई। अब दोस्तों आप ध्यान देंगे, जो बीच में ये गोल किया हुआ है ये क्या चीज़ है, इसको आपको देखना चाहिए दोस्तों। जब भी सोकपिट का इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ पर पानी भरेगा दोस्तों, तो पानी को निकालेंगे अगर, ठीक है, तो हर जगह मान लीजिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि इसमें कुछ बहुत ईंट भी डाल देते हैं, ठीक है, ईंट का जो टुकड़ा होता है वो डाल देते हैं, तो उस समय पानी को निकालना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। इसलिए ये जो है वो इस तरीके से आप देख सकते हैं ब्रिकवर्क करके एक चेम्बर बनाया गया दोस्तों, ताकि पाइप को डायरेक्टली यहाँ पे डाल करके जो पानी है उसको खींच लिया जाएगा, और उसके बाद में दोस्तों जो मलबा बचेगा, जो मिट्टी वगैरह बचेगा, उसको दोस्तों आपको जो है वो फावड़े की मदद से निकाल लेनी है। तो ये चीज़ होता है दोस्तों, और इस तरीके से आप भी जो है वो अपने घर के लिए सोकपिट यानी कि सोखता गड्ढा बनवा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों चीज़ों को आप समझेंगे, तरीके को समझेंगे किस तरीके से आपको सोकपिट बनवाना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।